राजधानी देहरादून में आज से 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। उद्घाटन समारोह के दौरान गोल्डी मसाले के सीईओ सुदीप गोयका ने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। 22 से लेकर 24 सितंबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में कई दिग्गज स्टार कलाकारों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जाएगा। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि ये 8वां देहरादून फिल्म फेस्टिवल उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी देहरादून टैलेंट हंट की टीम, हमारे राजेश शर्मा जी व पूरी देहरादून फिल्म फेस्टिवल की टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये एक ऐसी पहल 8 साल पहले शुरू हुई कि तब से जिस तरह देहरादून आगे बढ़ा, उत्तराखंड पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, उसी तरह देहरादून फिल्म फेस्टिवल भी पर्दे के बड़े कलाकारों को धरती पर ला कर के आम लोगों से संपर्क कराना और यहाँ के नए टैलेंट को प्रोत्साहन दिलवाना, उन्होंने उनकी चर्चा से उनको जो सीखने को मिल रहा है हमारे कलाकारों से, बम्बई से आए हुए सभी निर्देशकों से व प्रोड्यूसर से, ये बहुत ही खुशी की बात है। इस समय हमारे 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये 3 डेज का है, 22, 23, 24 सिल्वर सिटी तुलास में हो रहा है और इसकी एंट्री एकदम फ्री है 10 AM to 10 PM। इसमें हम लोग फिल्म्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और स्टार्स जो बॉम्बे से आ रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स, वो जो यहाँ के जो लोकल हमारा टैलेंट है उनसे 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, पैनल डिस्कशन करेंगे और उनकी जितने भी उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ वहीं पर सोल्यूशंस निकालेंगे, उनके प्रॉब्लम बताएंगे। और जहाँ तक ये सवाल है उत्तराखंड सरकार का टूवर्ड्स द फिल्म फेस्टिवल, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी पॉलिसीज बना ली हैं कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज की डेट में 50 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग ऑलरेडी उत्तराखंड में हो रही हैं या हो चुकी हैं और आज की डेट में भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पर आके शूटिंग कर रहे हैं एक एक महीने, दो दो महीने के लिए। तो इसका इफेक्ट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पर जरूर आ रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।